नमस्कार, मैं रोज। आज हम ध्यान करेंगे याकूब 1:26। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त समझता है और फिर भी अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाता, वो अपने मन को धोखे में रखे हुए और उसकी भक्ति बेकार है। चाहे हम कितना भी अपने आप को भक्त समझे, मगर अपनी स्पिरिचुअलिटी का असली टेस्ट तो तब होता है जब हम मुंह खोलते हैं। हमारा असली स्पिरिचुअलिटी इस बात पर प्रूव होता है कि हम कितना अपनी जीभ को लगाम लगाते हैं। आप चाहे दिखने में कितने सुंदर क्यों ना हो, मगर आपकी जबान सही नहीं है तो उस खूबसूरती का कोई फायदा नहीं। एक इंसान की स्पिरिचुअलिटी का ट्रू टेस्ट इस बात पर नहीं होता कि उसको कितना बोलने की क्षमता है, मगर इस बात पर कि उसको अपनी जुबान पर कितना कंट्रोल है। जीभ शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें हड्डी भी नहीं है, मगर इसमें बहुत ताकत है। किसी का दिल तोड़ने की ताकत, किसी को बर्बाद करने की ताकत, इवन खुद की जिंदगी तबाह करने की ताकत। सिर्फ खुद के प्रयास से, ह्यूमन एफर्ट से हम जीभ पर लगाम नहीं लगा सकते। वचन खुद कहता है याकूब 3:7, प्रत्येक जाति के पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और समुद्री जीव पाले जा सकते हैं तथा मानव जाति द्वारा वश में किए गए हैं, पर जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती तथा प्राण नाशक विष से भरी है। तो हम कैसे इसे वश में कर सकते हैं? आंसर एकदम सिंपल है, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर से इस बात के ऊपर विजय पाने के लिए दुआ मांगना होगा। फिलिप्पियों 4:13 को अपनी जिंदगी का मंत्रा बनाएं। जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रोज अपने दिल और जुबान को प्रभु को सौंपे। बाइबल के वचनों को जोर जोर से पढ़े। अपने दिल के तार को प्रभु की आत्मा से जोड़े। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है। मत्ती 12:36-37 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे, न्याय के दिन में वे उसका लेखा देंगे, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा तू निर्दोष और अपने शब्दों ही के द्वारा तू दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए ही हमें अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को थोड़ा और गौर से लेना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी सबसे खराब है, जिस हालत से वो गुजर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। फिर वो खुद को लेकर सॉरी फील करते हैं, क्योंकि पिटी पार्टी तरस, खुद पर तरस करने वाली पार्टी करके लोगों को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। चाहे जो भी हमारी जिंदगी में हो जाए, हर सिचुएशन पर कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उस सिचुएशन को फेस करना है, ये हमारे खुद के हाथ में है। चाहे आपके हाथ में कितना भी कम क्यों ना हो, मगर उसमें भी थैंकफुल होने के लिए कुछ ना कुछ बातें जरूर होगी। और सेल्फ पिटी के विरुद्ध ग्रेटफुलनेस ही वर्क करता है। एक डायरी बनाए, रोज शाम को उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट लिखे जिसको लेकर आप थैंकफुल हैं। धीरे धीरे देखना, आप अपनी जिंदगी के पॉजिटिव पॉइंट को देखना शुरू कर लेंगे। शब्द आपको दिए गए हैं, अब आप उसे अच्छाई के लिए यूज करें या बुराई के लिए, ये आपके हाथ में। अपने शब्दों को प्रभु की महिमा करने के लिए यूज करें, किसी को हंसाने के लिए, किसी का दिन अच्छा करने के लिए, किसी को एनकरेज करने के लिए, किसी को कुछ बात समझा कर देने के लिए यूज करें, बाइबल के वचनों को पढ़ने के लिए यूज करें। नीति वचन 18:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हम अपनी जबान से जो बोएंगे वही काटेंगे, इसलिए क्यों ना अच्छी अच्छी बातें कहें और अपनी और दूसरों की जिंदगी में खुशी भरें। एक आखिरी वचन बताती हूँ, याकूब 3:9-11 हमें समझाता है कि एक ही जुबान से हम प्रभु की आराधना करते हैं, फिर उसी से लोगों को श्राप देते हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को मैं एक टिप्स देती हूँ, जब आपका दिल टूटा हुआ होता है तब कभी भी अपनी जुबान पर भरोसा ना करें। जब हम उदास हैं तो बेटर किसी को फोन करके या पास बैठाकर बात ना करें, क्योंकि उस समय हमारे मुंह से सिर्फ नेगेटिव ही निकलेगा। उस समय बस दरवाजा बंद करें और अपना दुखड़ा अपने प्रभु से सुनाए और उस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर बाहर निकले। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई बातों के साथ मुलाकात होगी। खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। धन्यवाद।